भारतीय सिनेमा में कानन देवी एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी अभिनय से कामयाबी के शिखर को छुआ और वह बांग्ला सिनेमा की पहली कलाकार हैं जिन्हें स्टार का दर्जा हासिल हुआ। कानन देवी का जन्म पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आज ही के दिन यानी 22 अप्रैल को हुआ था। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। उन्हें भारतीय सिनेमा में एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने न केवल फिल्म निर्माण बल्कि एक्टिंग और गायकी से भी दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई थी। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें 10 साल की उम्र से ही काम करना पड़ा। एक पारिवारिक मित्र की मदद से उन्हें ज्योति स्टूडियो की फिल्म जयदेव में काम करने का मौका मिला। फिर उन्होंने 1937 की फिल्म मुक्ति में काम किया जो कि सुपरहिट साबित हुई। पीसी बरुआ के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने कानन देवी को न्यू थिएटर की टॉप एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। 1948 में आई चंद्रशेखर कानन देवी की बतौर एक्ट्रेस आखिरी हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अशोक कुमार थे।